मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा विकसित गुजरात ना नरेंद्र बनाएगा ना भूपेंद्र, जनता बनाएगी। महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद नए सियासी समीकरण की तलाश में आदित्य ठाकरे, पटना में सीएम नीतीश से मुलाकात। स्टार्ट में मौजूद तेजस्वी यादव बोले, लोकतंत्र बचाने की चुनौती। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया हिमाचल गुजरात में जीत का दावा। संगठन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में की चर्चा, तो राजपूत समाज के कार्यक्रम में बोले, राजस्थान हिमाचल की संस्कृति मिलती जुलती। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस वार्ड रूम में हुई अहम बैठक, 15 कमेटियों के संयोजक और प्रदेश स्तरीय कोऑर्डिनेशन टीम ने किया मंथन। बैठक के बाद बोले गहलोत, आजादी के बाद सबसे बड़ी यात्रा, भारत सरकार तक जाएगा संदेश। ओबीसी आरक्षण से जुड़े सवाल के दौरान बोले सीएम गहलोत, संवेदनशील मामले पर सरकार लेगी उचित फैसला, मामले को जातिगत रंग देने का नहीं हो प्रयास। अब कल होगी कैबिनेट की बैठक। जन आक्रोश यात्रा को लेकर जयपुर में भाजपा की कार्यशाला, पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बनाई जाएगी रणनीति। सतीश पूनिया बोले, कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया, पीएम ने जोड़ने का काम किया। प्रदेश के अलग अलग फोक्सो कोर्ट के फैसले, डूंगरपुर और सिरोही में हैवानों को सजा। सवाईमाधोपुर सीकर और राजसमंद में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषियों को भी 20-20 साल का कठोर कारावास। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी नाबालिग का गर्भपात करने की अनुमति, दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने से मानसिक तनाव में थी बालिका। राजधानी के मुरलीपुरा में महिला को दिन दहाड़ी मारी गोली, स्कूटी सवार दो बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में एसएमएस के ट्रोमा इलाज जारी। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर वन। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार।